हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ओट्स की मीठी बर्फी रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, ओट्स खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाती है, तो आप लोग इसे बनाइएगा और एक बार खाकर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए हैं इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ले लिया है, थोड़ा देसी घी ले लिया है, ये भुनी हुई पिसी हुई मूंगफली है दोस्तों, और ये उतने ही मात्रा में बराबर में मैंने ओट्स ले लिए हैं। उसी कटोरी की मात्रा में मैंने चीनी ले ली है, ये खाने वाला कलर है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम ले लिए हैं दोस्तों, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओट्स को पीस कर तैयार कर लेते हैं मिक्सर में। इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है दोस्तों। दोस्तों, एक पैन गरम कर लेते हैं और इस पैन में हम अपने पिसे हुए ओट्स को हल्का हल्का भून लेंगे ताकि उनका कच्चापन खत्म हो जाए। आप धीमी आंच पर इसे भूनिएगा। थोड़ा भून जाने पर हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। दोस्तों, जब ये भून जाए तब आप इसमें जो है मूँगफली ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है और गर्म पैन पर ही हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये थोड़ा ठंडा होगा हम चाशनी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक अलग कढ़ाई में हम जो है चीनी की चाशनी तैयार कर लेते हैं। पानी में हम चीनी को ऐड कर देते हैं। पहले हम चीनी के घुलने का इंतज़ार करेंगे। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे दोस्तों, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे, वरना बहुत टाइट बर्फी बनेगी। अच्छी तरह से चीनी घुल जाए और लगभग एक तार की चाशनी बनने जैसी वो दिखने लगनी चाहिए। आप उसे उंगली पर रखकर चेक कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे दोस्तों। चीनी अच्छी तरह घुल जाने पर और उसमें उबाल आने पर मैं इसमें थोड़ा सा खाने वाला कलर ऐड कर दूंगी। इससे हमारी बर्फी सुंदर दिखेगी दोस्तों। अच्छी तरह से कलर को घोल कर फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी और थोड़ी सी चाशनी के ठंडे होने का इंतजार करूंगी ताकि जब हम इसमें ओट्स डालेंगे तो अच्छी तरह से ओट्स सोख लेंगे। चलिए अब हम दोनों को मिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इस एक थाली को ग्रीस करके या प्लेट को ग्रीस करके उसमें इसे पलट लेते हैं और अच्छी तरह से दबा देते हैं ताकि बर्फी का शेप आ जाए। और यहाँ पर मैं कटे हुए काजू इन पर सजा देती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे अपने मनपसंद के शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर की कतली भी इसके ऊपर सजा सकते हैं दोस्तों, खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज लगती है। दोस्तों, ठंडा होने पर मैंने इसे लिटिल हार्ट शेप में कट कर लिया है। आप लोग इसे अपने मनपसंद के शेप में कट कर सकते हैं दोस्तों, खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और हेल्दी है। ओट्स बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। इसे बनाने में मुझे पूरे पूरे 15 मिनट लग गए हैं दोस्तों। 15 मिनट में ये हेल्दी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।